गाइस वेलकम टू प्लान ऑफ इंग्लिश तो माय नेम इज़ रजनी तो जैसा कि आप जानते हैं हमने कल से एक नई सीरीज स्टार्ट करी है दैट इज ईडियम्स तो जैसा कि मैंने वादा किया है आपसे कि वील कवर टेन ईडियम्स डेली तो आज मैं फिर से आपके लिए दस इडियम्स लेकर आई हूँ नए तो बिफोर वी स्टार्ट हन हम अकेडमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है यहाँ पे रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं लाइव टेस्ट सीरीज चलती हैं आंसर राइटिंग सेशन मिलते हैं आपको प्रॉपर पी फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है एंड मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है राइट right. ओके okay. तो आप सभी को पता है आस्क डाइट डाइट सॉरी आस्क अ डाउट फीचर नया ऐड हुआ है तो यहाँ पे आपको आप जो भी डाउट्स पूछेंगे आपको उनको उनके डाउट्स की क्लियरेंस कैसे मिलेगी थ्रू वीडियोस मतलब आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे और अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज में मिलेगा ओके डिफेंस इज श्योर मतलब ये एक कह सकते हैं ऑफर है टिल एट ऑफ जुलाई मतलब आज तक के लिए ही है यहाँ पे क्या है कि आप अगर वन ईयर का सब्सक्रिप्शन या फिर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भगवान ना चाहे ना चाहते हुए कि गॉड फॉरबिड ऐसा हो कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता है डिफेंस एग्जाम तो आपको सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन उसके ऊपर फ्री मिल जाएगा ये आज तक के लिए ही अप्लीकेबल रहेगा राइट right? ओके okay, तो एनअमी ब्रांडेड नोट्स ये आपको पता ही है ये नया फीचर आया है यहाँ पे नोट्स क्यूरेटेड करे जाते हैं बाई एक्सपर्ट्स रिव्यू करे जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एंड ये इनको आप एक्सेस कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे तो ये आइकॉनिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके डोर स्टेप पे डिलीवर करे जाएंगे नोट्स और जो प्लस स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहाँ पे मिलेगी उनके ऐप में इनका एक्सेस मिलेगा उनको राइट right? ओके okay? तो <coughs> ये एक नया फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है दैट इज ऑन टेंथ ऑफ जुलाई वॉरियर सी ए पी एफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है तो इसको जरूर ज्वाइन करें लगाएंगी सीरीज और ये इसका ये रहा लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मिल जाएगा ओके okay, तो ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सिक्सथ जुलाई से वॉरियर्स सी डी एस टू मॉक टेस्ट सीरीज ये भी बिल्कुल फ्री है तो इसको ज्वाइन करें एंड इसका भी सब्सक्रिप्शन सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है जो मिल जाएगा ओके okay, तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर है फॉर प्लस एंड अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं एंड जो आइकॉनिक के लिए जो आइकॉनिक करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ ये रहा फी स्ट्रक्चर एंड इफ यू अप्लाई दिस कोड तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा इस पे भी तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज का हम फर्स्ट इडियम करते हैं इडियम ऑफ द डे टू क्या है देखते हैं बी इन योर बोनेट बी इन योर बोनेट देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है ऑप्शेस्ड विद एन आइडिया स्टे अप बी इन योर लिमिट्स नॉट रेडी टू बार्गेन तो क्या है इसका आंसर वॉट इज द मीनिंग ऑफ बी इन योर बोनेट इट इज obsessed with an idea obsessed with an idea obsessed मतलब क्या होता है कि <coughs> मतलब हम कहते हैं ना कि किसी चीज के पीछे पागल हो जाना कि उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं दे लाइक like दिस तो वी कैन से व्हाट सेंटेंस कैन बी मेड ऑन इट क्या बना सकते हैं सोचो सोचो वी कैन मेक वी कैन से दैट ही हैज अ बी इन हिज बोनेट अ अबाउट ऑर्डर ऑर्डर मतलब स्मेल होता है ना ऑर्डर स्मेल ठीक है कि मतलब वो इसी के बारे में सोचता रहता है ठीक है ही हैज बी इन हिज bonnet अबाउट स्मेल अबाउट ऑर्डर कुछ भी कह सकते हो अबाउट सेफ्टी अबाउट समथिंग कुछ भी आप कह सकते हैं ठीक है ओके okay, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट ईडियम बफर जोन बफर जोन तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं रिफ्यूज एंट्री मेंटली गो समेयर सुरियल और स्ट्रेंज न्यूट्रल जोन बिटवीन वन और मोर एरियाज एंड फेस टू फेस विद डेथ सो इट्स आंसर इज क्या है इसका आंसर क्या लगता है आपको बफर जोन जोन से हम कुछ वो कह सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस या कुछ एरिया के बारे में बात कर रहे हैं ना तो इट्स आंसर इज सी न्यूट्रल जोन बिटवीन वन और मोर एरियाज तो कैनवी से देर मस्ट बी थ्री हंड्रेड फूट बफर जोन बिटवीन दिस बिल्डिंग एंड द गार्डन कुछ भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इतना क्या होना चाहिए मतलब जोन मतलब इतना एरिया खाली होना चाहिए देर मस्ट बी अ दिस काइंड दिस मच बफर जोन क्लियर सबको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें जरूर करें वीडियो को लाइक कर, दे, कर दें सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ओके okay, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट इज मैन ऑफ लेटर्स मैन ऑफ लेटर्स क्या है ऑप्शंस हमारे पास इंटेलिजेंट पर्सन हैंडसम पर्सन लिटरेरी पर्सन एंड नेस तो देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्या आपको क्या लग रहा है क्या है इसका मैन ऑफ लेटर्स इट इज सी मैन ऑफ लेटर्स मतलब लिटरेरी पर्सन जिसको पढ़ना लिखना आता है मैन ऑफ लेटर्स ठीक है तो वी कैन से सेंटेंस क्या बना सकते हैं इसके ऊपर ही इज नोन ओरेटर एंड मैन ऑफ लेटर्स ऑरेटर क्या होता है स्पीकर ऑरेटर क्या होता है स्पीकर माइंड हैंड हैंडराइटिंग ऐसी ही है मेरी ठीक है तो समझ आ रहा है सभी को तो जैसे मैंने कल भी कहा था आपको कि इनको जस्ट ऐसे ही रीड नहीं करते जाना कि मैन ऑफ लेटर के ये होता है बफर जोन ये होता है बी इन ये होता है उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाकर देखना ठीक है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ वैसे ही भी वैसे ही आप इनको सेंटेंसेस इनके ऊपर बनाकर देखना एंड हो सकता है हो सकता है नहीं है ऐसा कि इनको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं वेन यू आर कॉन्वर्सेटिंग है ना वेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स और कैसे भी तो थोड़े बहुत इनको जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगेंगे तो ट्राई टू तो यूज देम इन योर डेली लाइफ इन योर डेली रूटीन ठीक है एंड uh, सेंटेंसेस बनाओ इनके ऊपर ठीक है सो दैट आपको ये याद रह पाए ठीक है कि झट से ही अगर आपके सामने वहां पे आ गया तो झट से आप आंसर कर पाए कि ओके इसका आंसर ये है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं लूज योर टच लूज योर टच तो वो देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं पहले क्या क्या है हमारे पास देखो नो लॉन्गर बी एबल टू फील समथिंग नो लॉन्गर बी एबल टू डू और हैंडल समथिंग स्किलफुली लूज द गोल एंड डी अ डीमोरलाइजिंग पर्सन तो देखते हैं इसका आंसर क्या है क्या लगता है आपको इसका क्या होगा इट्स ऑप्शन बी नो लॉन्गर बी एबल टू डू और हैंडल समथिंग स्किलफुली मतलब पहले तो बहुत अच्छा उसको मतलब किसी चीज पर बहुत अच्छा ग्रिप था अब वो क्या है नो लॉन्गर बी एबल टू डू और हैंडल समथिंग स्किलफुली की अभी वो काबिल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए स्किलफुली ठीक है तो वी कैन से कुछ भी कह सकते हैं कि अर्लियर

माही थी बेक करने में लेकिन अभी वो क्या हो चुकी है अपना ये स्किल खो चुकी है नो लॉन्गर बी एबल टू डू दिस ठीक है कुछ भी कुछ भी रीजन के कारण बोल सकते हैं बस हमने तो सेंटेंस बनाने से मतलब है ठीक है कि हमने इसको यूज करके देख लिया हमें यूज आना चाहिए इसका ठीक है आप अपने बचपन का भी कुछ कह सकते हैं बचपन को लेकर भी ठीक है कि वेन आई वॉज यंग वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई

Uh, face reality dealing with an expert forced to <clears throat> leave something and to make the situation worse so it's answer is kya hai answer face reality its answer is face reality reality face karna <coughs> तो इसका क्या बना सकते हैं हम क्या बन सकता है इसके ऊपर सेंटेंस व्हाट सेंटेंस कैन बी मेड ऑन इट वी कैन से सेन एवर ही हैज टू फेस द म्यूजिक ही ऑलवेज ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन ठीक है जब भी उसको रियलिटी को रियलिटी का सामना करना होता है तो वो भाग जाता है ठीक है होता है ना कि कुछ लोगों को खौफ होता है कि मैं कैसे सामना करूंगा लाइक like दिस वाला है ना तो ये हम कह सकते हैं ठीक है ओके तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है लुक लाइक अ मिलियन डॉलर्स ये तो बहुत सुना है हमने है ना कि योर स्माइल है ना लुक्स लाइक अ मिलियन डॉलर है ना लुक लाइक अ मिलियन मतलब इसका वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी सभी को आता होगा वेल्दी एंड सक्सेसफुल तो भी हम रीड करते हैं ऑप्शन फ्रॉम पुअर टू हैविंग अ लॉर्ड ऑफ मनी फैबुलस एंड रियली अट्रैक्टिव पे अ लॉड ऑफ मनी बट yes, really <coughs> फिर भी हम बना ले वही ना कि हम बोलते ना कि उसकी स्माइल लुक लाइक मिलियन डॉलर्स मतलब बहुत ही फैबुलस एंड रियलीव है उसकी स्माइल ठीक है और सेंटेंस बना सकते हैं हम that uh, yesterday she was looking like a million dollar in that dress ठीक है उस ड्रेस में उन टायर में वो क्या लग रही थी बहुत ही ज्यादा फैबुलस एंड अट्रैक्टिव ठीक है आई होप सबको समझ आ रहा है समझ आ रहा है तो प्लीज आइकन को दबा देना लाइक कर देना वीडियो को शेयर भी कर देना और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं नो द रोप्स नो द रोप्स ओके क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस हैव करेज द रूल्स नो द बाउंड्रीज हैव एक्सपीरियंस ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स know the ropes. Kya guys cancel. what is the meaning of know the ropes? it's d. have experience of the appropriate procedures. so <coughs> we, uh, we can say that we can say that now she lead us in this project as शी नोज द रोप्स ठीक है कि वो अब हमें इस प्रोजेक्ट में लीड करेगी क्योंकि वो क्या है मतलब उसको पूरा एक्सपीरियंस है उसको फुल प्रोसीजर्स पता है अच्छे से करेक्ट प्रोसीजर्स वो जानती है ठीक है दैट दैट दैट्स व्हाई नाउ ऑनवर्ड शी लीड अस इन दिस प्रोजेक्ट ओके नेक्स्ट इज have sticky fingers have sticky fingers kya hai to have no money to be a thief to have a very hard situation to be betrayed by someone so what is the answer what is the meaning of uh, this have sticky fingers it is b to be a thief to be a thief तो क्या कह सकते हैं वी कैन से दैट दटे वी फायर्ड आर मेड एज शी हैड स्टिकी फिंगर्स कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस ठीक है एज uh, मैंने ये सेंटेंस बनाया है बट इट इज नॉट द केस ऐसा नहीं है जस्ट वैसे बना दे कुछ भी कह दो

तो देखते हैं क्या गया ऑप्शन है हमारे पास मेक मनी इजिली टू प्लीज और सॉफ्ट टच टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स तो इज इज द द आंसर मीनिंग ऑफ टच इट इज ए मेक मनी मिडास आसानी से पैसे बना लेने वाला उसको उसके लिए कह सकते हैं मिदास टच होता है हो ना कि कई बंदे कुछ भी कर ले है ना कोई भी बिजनेस कर ले वो बना लेते हैं ये लोग सेंटेंस बन गया बस इसकी हिंदी सॉरी इसकी इंग्लिश कर दो क्या कह सकते हैं हीज मिदा स्टार्ट एज ही इजली बिकम सक्सेसफुल वॉट बिजनेस ही स्टार्ट वॉट एवर द बिजनेस ही स्टार्ट ही रंस ठीक है ठीक है हीरोली हैज मिदा स्टार्ट एज एवरी बिजनेस ही स्टार्ट ही बिकम्स Successful. Every uh, whatever the business he starts, he becomes successful. That's why we call him that he really has Midas touch. Next and the last idiom of the day. Uh, as I hum, every day we learn ten idioms. We'll. Uh, रीड और वी विल लर्न टेन ईडियम्स तो ये लास्ट ईडियम है आज का क्या है ईट लाइक अ बर्ड ये भी पता होगा बहुतों को है ना और इसका तो पढ़ते ही हमें समझ भी आ रहा है कि क्या हो सकता है फिर भी हम देखते हैं टू ईट इन इन एन आएगा ना यहाँ पे इन एन इलमेन इन एन इलमेन वे टू ईट वेरी लिटल फूडी टू बी स फॉर समथिंग देखो फूड ही तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इट लाइक अ बर्ड मतलब जितना चींटी जितना खाना है ना तो मतलब टू इट वेरी लिटल ये अब जो मैं सेंटेंस बनाऊंगी इट इज रियलिटी माय ब्रदर ईट्स लाइक अ बर्ड दैट्स व्हाई ही इज वेरी वीक फिजिकली ही इज वेरी वीक यस इट इज रियलिटी मेरा भाई बहुत ही कम खाता है है ना इतना चीन जितना खाता है हाँ उसको फास्ट फूड जितना मर्जी खिलवा लो घर का खाना खाना हो तो उसको मौत आ जाती है कि यार ये मेरे सामने क्या रख दिया आजकल के हैं सभी आजकल का यूथ यंग जनरेशन मैं भी उन्हीं में ही हूँ बट फिर भी आए तो नेवर मेक फेसेस बा आफ्टर सींग घर का खाना बट माई ब्रदर फेसेस है ना मेक्स सॉरी माई ब्रदर मेक्स फेसेस तो ही ईट्स लाइक अ बर्ड दट्स वाई ही इज वेरी वीक तो आई होप सब कुछ समझ आया है तो समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करो वीडियो को एंड कॉमेंट सेक्शन पे अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स भेज देना ठीक है एंड इफ यू रिक्वायर समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम ईडियम्स तो वो भी मुझे बता दो वो मैं पक्का आपके लिए अगर मैं कर सकती हूँ तो करूंगी ठीक है एंड आई ट्राई माई बेस्ट ओके एंड मैं अगेन कहना चाहूंगी कि ये कोड यूज करें टू अवेल टेन परसेंट डिस्काउंट इफ थिंकिंग ऑफ टेकिंग सब्सक्रिप्शन किसी का भी सी डी एस एफ का सी ए पी एफ किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेने का आप सोच रहे हैं तो सिद्धांत लाइफ कोड जरूर यूज करें टेन परसेंट डिस्काउंट अवेल करने के लिए टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट तो आई होप सब कुछ समझ आया आज जो हमने सीखा जो आज मैंने पढ़ाया तो इनको अच्छे से कीजिएगा सेंटेंसेस बना के देखिएगा इनके ऊपर तो हम कल मिलते हैं अगेन नए ईडियम्स के साथ और अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है आई डेफिनेटली डू दैट और तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू